हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज हम बनाने वाले हैं मीठी वाली गुजिया। दोस्तों, चाशनी वाली गुजिया मैं बताऊंगी, आप चाहें तो बिना चाशनी की भी बना सकते हैं। मैं सिंपल रखूंगी बिल्कुल रेसिपी, ताकि आप लोग फटाफट इसको होली पर बना के सबको खिला सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। मैदा चाहिए 2 कप, घी चाहिए 200 ग्राम, पानी चाहिए 3 कप, चीनी चाहिए हमें 3 कप, तेल चाहिए हमें तलने के लिए, नारियल का चूरा चाहिए 50 ग्राम, बादाम चाहिए 10-15 पीस ले लीजिए, काजू ले लीजिए 10-15 पीस, पिस्ता ले लीजिए 10-15 पीस। दोस्तों, अगर ये नहीं भी हो तो आप कम ले सकते हैं या विदाउट इसके भी बना सकते हैं, पर नारियल का बुरादा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप मावा ले लें, 250 ग्राम सूखा मावा, आप चाहें तो इसको घर पर बना सकते हैं। इलायची और केसर आपको लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे पहले मावा एक बोल में ले लें और उसको आपको क्रश कर लेना है। बिल्कुल मावा थोड़ा बिल्कुल हार्ड होता है जब मार्केट से आता है, मैंने मार्केट से मंगाया है, और इसको आप मसल मसल के निकाल लें। एक होता है बिना शक्कर का मावा, एक होता है शक्कर वाला मावा। मैंने शक्कर वाला मावा लिया है तो मैं शुगर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप लोग बिना मीठा मावा लेंगे तो उसमें आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। सारे क्रश कर ले, बहुत हार्ड है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप चाहें तो इसको घस भी सकते हैं, जिसे कद्दूकस करते हैं, वैसे हम लोग चाहें तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल मसल लें इसको, बिल्कुल महीन महीन काटना है आपको। कद्दूकस कर लें आप इसको, सारा इसी तरह से फटाफट कद्दूकस कर लें, सारा पूरा जितना है सारा कर सकते हैं। वैसे बेस्ट होता है कि आप इसको हाथ से मस लें, पर हमने सारा कद्दूकस कर लिया है आपको दिखाने के लिए मैंने फटाफट, बाकी फिर इसको हाथ से क्रश कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी देर तक इसको 10 मिनट्स तक आप मसल मसल, क्योंकि जितना फाइन होगा उतना आपका मिक्सचर और ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके बाद हम मैदा रेडी कर लेंगे। मैदा मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 200 ग्राम घी डाल रही हूँ मैं, और फिर इसको मसल लेंगे अच्छे से हाथों से। इसको भी मोयन बोलते हैं हम इसको, मोयन आप अच्छे से जितना ऐड करेंगे, और मैदे में मोयन जितना अच्छा बनेगा उतना आपकी जो बनती है, चाहे आप पूड़ियाँ बनाएं, कचौड़ियाँ बनाएं, या फिर आप कोई भी इस तरह का डिश बनाते हैं, तो आपको मैदे को बहुत अच्छे से मसल लेना चाहिए मोयन को। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया आटा। अब इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे, गर्म पानी हल्का सा लेंगे, उससे हम मैदा लगा लेंगे। आप मैदे को बिल्कुल अच्छे से लगाएं, थोड़ा सा हल्का टाइट रहेगा, पूरियां जो बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट रहना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें, ज़्यादा पानी एक साथ ना लें, और फिर अच्छा से इसको बिल्कुल आपको लगा लेना है। होली रे रसिया। देखिए पूरा मैदा लग गया है हमारा अच्छे से। होली की स्पेशल डिश है, बिल्कुल इसको थोड़ा अच्छे से मलहारा डाल लें, बिल्कुल मलहारा बोलते हैं इसको, उसन लें अच्छे से दबा दबा के, क्योंकि जितना अच्छा होगा आपका मैदा उतनी आपकी गुजिया खस्ता बनेगी। इसको हम फिर साइड रख देंगे, थोड़ी देर ढक करके रख देंगे, बिल्कुल इसको साइड स्टोर कर देंगे, ताकि फिर बाद में जब हम भरावन का मसाला बना लेंगे, इसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे। साइड कर दीजिए इसको। अब हम भरावन के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम लेकर के काट लेंगे। नारियल का चूरा है, बादाम लिया हमने, पिस्ता लिया, काजू ले लेंगे, और इलायची लौंग को कूट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक हमें इलायची को कूट लेना है। सबसे पहले हम मावा सेक लेते हैं। मावा सेकने के लिए मावा को डाल के 5 मिनट तक गर्म करके कढ़ाई में इसको धीरे धीरे चलाते चलाते सेक लेंगे। हल्का सा रेडिश कलर जैसा आने लगे तो समझ जाए कि सिक गया। देखिए घी भी छोड़ दिया है मावा ने, प्योर अगर मावा रहेगा उसमें से घी निकलेगा, बिकॉज दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है, और मेरा इसमें शक्कर ऐड है इसलिए बहुत अच्छा बन गया है ये, एकदम बिल्कुल सिक गया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। एक बहुत ही मस्त होली होने वाली है इस बार सबकी, बहुत ही दिल से करें। ये देखिए घी भी बहुत सारा निकला है इसमें,
आज बिरज में होली रे रसिया। अब हम इसको रेडी करेंगे। मसाला ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हमने। अब देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा कड़ा कड़ा ये हो गया, इसको तोड़ लेंगे थोड़ी थोड़ी। बेटर है मिक्सचर को आप हाथ से अगर मिक्स करें ना सबसे अच्छा रहता है, हैंड्स यूज़ करें, इंडियन मिठाई है। नारियल का चूरा हमने ऐड कर दिया इसमें, और अब हम एक एक करके जितने ड्राई फ्रूट्स, हमने बादाम लिया था, बादाम को हमने काट के रख लिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स बादाम ऐड करेंगे। काजू भी हमने काट लिया है, काजू ऐड कर लेंगे इसमें हम। और पिस्ता भी हमने काटा है, लेकिन पिस्ता मैं ऐड नहीं करूँगी, दो चार बूंद आप डाल सकते हैं। पिस्ता मैं ऊपर स्प्रिंकल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए भेजूँगी बैंगलोर, तो उसके लिए मुझे ड्राई पिस्ता ज़्यादा दिन रहने से ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पिस्ता ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों से मिक्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलायची पाउडर मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ी केसर भी आप चाहें तो डाल सकती हैं, आपको अगर केसर पसंद है तो। देखिए इसको मसल लें, मसाला बिल्कुल मिक्सचर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से भरावन इवेंट नहीं होगा वो। देखिए रेडी हो गया हमारा। अब हम पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट करते हैं। जो हमने मैदा भिगो के रखा था उसको हम लेके थोड़ा सा और मलहरा दे करके अच्छे से बिल्कुल थोड़ा मसल लेंगे, हल्का सा मुलायम हो गया। अब देख रहे हैं बिल्कुल हार्ड भी है और मुलायम भी है। छोटी सी एक लोई तोड़ लेंगे। पहले मैं आपको पूड़ियाँ बता देती हूँ। पूड़ियाँ बेलने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से मसलें, हाथों को यूज़ करें, आपकी एक्सरसाइज भी होगी। देखें अब लोई को हम बेलना स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखें जोर से नहीं बेलना, आपको हल्के हाथों से कॉर्नर्स की तरफ जोर देते हुए बेलना है। आपको थोड़ी थिक रखनी है पूरियां, आपको बहुत पतली नहीं बनानी, जैसे समोसे का हम हल्का सा मोटा रखते हैं वैसे ही मोटा रखना है। कॉर्नर्स की तरफ से बेलते जाएं, कॉर्नर पे जोर हल्का लगा सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो सारी पूरियां बेल के रख सकते हैं, और उसके बाद आप भर सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल मुलायम मुलायम करके देखिए। फिर मैंने क्या किया है, बेल रही हूँ किस तरह से, देखिए इसको बेलने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉर्नर्स की तरफ से आपको प्रेशर देके बेलना होता है। बिल्कुल हो गया ये। चलिए अब इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दो चम्मच जो भरावन हमने रेडी किया है, 2 टीस्पून्स हम ले लेंगे। आप डिपेंड करता है बड़ी साइज़ बना रहे हैं छोटी साइज़ बना रहे हैं आप, चाहे तो छोटी छोटी बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल सभी लोग स्वीट्स कम खाते हैं। थोड़ा पानी लगा ले, जैसे हम समोसे को बंद करते हैं स्टफ़ करके, इसको हम आधे चंद्रमा के शेप में मोड़ लेंगे, पूरा अच्छे से पैक कर लें। ये देखिए ठीक से बंद करते जाएं इसको। हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब आपके पास, आप चाहें तो आपके पास अगर इसको बनाने का सांचा है आप वो यूज़ कर सकते हैं, कांटों से इसके अंदर छेद कर सकते हैं। बाकी मैं मोड़ने का तरीका, इसको गोठना बोलते हैं, तो ये गोठना स्टार्ट करना पड़ता है। आप इसकी फोल्डिंग्स देखिए कैसे प्लीट्स बैठाते हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे मोड़ते जाएँ, चपटा करते जाएँ उसको, मोड़ते जाएँ, चपटा करें फिर मोड़ दें, फिर चपटा फिर मोड़ना है। इस तरह से आपको पूरा कंटिन्यूस चपटा करते जाएँ और मोड़ते जाएं। ये देखिए बहुत सुंदर फाइन प्लीट्स बनते जा रही है। इस तरह से आपको पूरी फाइन प्लीट्स बना ले रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अगर ये क्लियर नहीं है आपको एक पीस और, इसी तरह से आपको दूसरी भी भर लेनी है। देखिए आधा चंद्रमा बन गया। इसके बाद मेन आपको सीखना है ये फोल्डिंग कैसे देनी है प्लीट्स। ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ आपको फटाफट फटाफट, थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तो फटाफट इसको कर पाएंगे। बिल्कुल चपटा करना है, फोल्ड चपटा फोल्ड चपटा फोल्ड, इस तरह से। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट होता है इसमें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है पर मज़ा बहुत आता है, और जब खाते हैं तो और उससे ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कितनी नीट है ये। इस तरह से सारी आपको सारे के सारे आपको सारे भर के बना के रख लेने हैं। अब नेक्स्ट हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे, तो हम चलते हैं किचन में। किचन में जा करके अब हम सबसे पहले ऑयल चढ़ा लेते हैं।
गैस आप ध्यान रखें मीडियम गैस पे आपको इसको पकाना चाहिए, लो मीडियम फ्लेम पे इसको पूरे को हमें फ्राई करना है। तो आप जिस भी बर्तन में पहले आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं फ्राई, उसमें पहले आप चढ़ा के उसको ऑयल डाल लें। अब आप ऑयल आप देख लें गरम आ गया है, अगर आँच आप चाहें तो छोटा सा टुकड़ा कोई चीज़ का डाल के आप देखें, देखें पूरा आ गया तुरंत ऊपर, इसका मतलब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें जो हमने बनाए हैं रेडी किए गुजिया वो डालना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा ना डालें, खूब ठूस ठूस के चार या पांच, जितना आपका आपने जितना ऑयल लिया है उसके हिसाब से पूरा डूब जाना चाहिए ऑयल में। ये ध्यान रखें ऑयल इतना होना चाहिए कि वो डिप हो जाए पूरा गुजिया उसमें। पांच से छह गुजिया एक बार में मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ के बनाए हैं तो तल सकते हैं थोड़ा सा। देखिए ज़्यादा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होने से ना इसमें फोले टाइप के बन जाते हैं, वो बबल्स टाइप के बन जाएंगे, वो ना करें। लो मीडियम फ्लेम पे करेंगे, जैसे हम समोसे तलते हैं तो लो मीडियम फ्लेम पे करें इसको और पलट दें उसको एक बार डालने के बाद। इसके बाद इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। आज पिरज में होली रे रसिया, सभी को होली पे ज़रूर बनाना है गुजिया। ये होता है तब तक हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो हम चाशनी के लिए दो ग्लास ये वाला पानी ले लेंगे और दो ग्लास ही हम चीनी लेंगे, क्योंकि ये फ्राई होगा जब तक हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी, बिना चाशनी के स्वीट नहीं होगा ये ऊपर में। अगर आप लोग चाशनी वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो मावा लिया है आपने उसमें ज़्यादा शुगर आप ऐड कर सकते हैं। दो ग्लास पानी और दो ग्लास शक्कर हम ले रहे हैं, उसको बॉयल होने देंगे। तब तक हम इधर इसको धीरे धीरे पलट लेते हैं, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसको तलना है। बिल्कुल हो चुका है ऑलमोस्ट, दो तीन मिनट और लगेंगे इसको। चाशनी को चलाते रहें, नीचे लग ना जाए शक्कर, ये ध्यान रखें। 10 to 15 मिनट्स आपको ये पानी बॉईल करना है चाशनी वाला, आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे थोड़े टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रह जाएगा बिल्कुल। सारे आपको निकाल लेने इसी तरह से प्लेट में। टिश्यू हमेशा यूज़ किया करें, इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है फ्राइड फूड का वो बिल्कुल निकल जाता है। कुछ लोग न्यूज़पेपर्स यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स ओके होता है अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर से जो इंक होता है ना वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, न्यूज़पेपर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए सारे हमने निकाल लिए, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, बहुत गर्म है। हाँ, चाशनी भी हो रही है बिल्कुल रेडी। जब तक चाशनी बनती है हम एक पाव और इसमें डाल देते हैं बिल्कुल, सारे हमें फ्राई कर लेने हैं इसी तरीके से। आज बिरज में होली रे रसिया। देखिए चाशनी हो गई है, एक बिल्कुल एक तार की चाशनी हमने बनाई है, ज़्यादा थिक नहीं रखी है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। गैस हमने बंद कर दिया। अब जो हमने फ्राई करके रखा था जितने भी हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दे चाशनी को, बहुत ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, हल्का सा निवाया जब रह जाए तो हमें ये एक एक करके डिप कर देना है इसमें। टेस्टी गुजिया बन रही है। आई रियली होप कि आप सबको पसंद आए, बच्चों को पसंद आए। मैं आप सब तक पहुंच के दिवाली पे स्वीट्स होली पे नहीं बना भेज पाती हूँ, पर इस तरीके से चाहती हूँ कि आप लोग से शेयर करके कम से कम आप सब मुंह मीठा कर सकें घर पे। अपने अपने पसंद की आप सब भी रेसिपीज चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें मेल करें। आप डिप करके अच्छे से निकाल लें, उसमें डिप करते हैं ना तो थोड़ा रहने दें उसको, 10-20 सेकेंड रहने दें और फिर उसको धीरे धीरे निकाल लें प्लेट में। इसी तरह से बाकी सारी गुजिया भी आपको कर लेनी है। सारी गुजिया ऐसे ही निकालते जाएं और थोड़ी थोड़ी सी स्पेस करके इस पर निकालते जाएं। सारे निकाल लें आप इसी तरह से।
सारे आपको इसी तरह से निकाल लेने हैं, सारा प्लेट में अरेंज करते जाएं। और उसके बाद आपको डेकोरेट इसको ज़रूर करना है। हमेशा कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो ध्यान रखें गार्निश करना इसको बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ की खूबसूरती तभी बनती है। स्वीट्स पे हमने जो पिस्ता बचा के रखा था वो मैंने इसीलिए बचाया था ताकि मैं इसको ऊपर में स्प्रिंकल कर सकूँ। ये देखिए हमारी पिस्ता भी हमने स्प्रिंकल कर दिया, कितनी लजीज बन गई है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है ये डिश। आप सभी से अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स फैमिली बच्चे जो भी हैं भाई बहन सभी से शेयर करें। अच्छे से प्लेट को डेकोरेट करके कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जो भी शरबत आदि के साथ, ठंडाई का मौसम होता है दोस्तों होली पे, ठंडाई के साथ सभी लोगों को परोसें और फिर ढेर सारी वाहवाही झेलें दोस्तों। खुद भी मुँह मीठा करें और घर में सबका होली पर इस मुँह मीठा कराएँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। होली है दोस्तों, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।